जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे? दोस्तों, मंगल का अमंगल दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? जैसे मंगल को काल पुरुष का पराक्रम माना गया है, अतः ये पराक्रम का प्रतीक है। ग्रह मंडल में इसे सेनापति का पद प्राप्त है। ये मेष तथा वृश्चिक राशि के स्वामी भी हैं और इनकी महादशा 7 वर्ष की होती है। हनुमान जी की पूजा, उपासना, सुंदरकांड का पाठ करने से मंगल का प्रकोप शांत होता है। मंगल देवता की 4 भुजाएं हैं। इनके शरीर के रोएं लाल हैं। इनके हाथों में क्रम से अभय मुद्रा, त्रिशूल, गदा और बर मुद्रा है। इन्होंने लाल मालाएं और लाल वस्त्र का धारण करके रखा है। इनके सिर पर स्वर्ण मुकुट है तथा ये मीठे के वाहन पर सवार हैं। दोस्तों, किसी का मंगल अमंगलकारी हो जाए, मंगल ग्रह अमंगलकारी हो जाए, तो बहुत सारी परेशानियां उसके समक्ष आ जाती हैं। सबसे बड़ी समस्या आ जाती है स्वास्थ्य की और धन की। जिसके ऊपर मंगल ग्रह कुपित होते हैं, सबसे पहले वह धन रहित होता है, लक्ष्मी रहित होता है और स्वास्थ्य निरंतर उसका स्वास्थ्य में गिरावट होती जाती है। घर का परिवार का कोई सदस्य लगातार बीमार रहने लगता है। ये सारी समस्या तभी आती हैं जब आपके मंगल ग्रह आपसे रुष्ट चल रहे हों। मंगल जनित दोष निवारण के लिए आप किसी भी मंगलवार के दिन सूर्योदय के समय स्नान करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुश या ऊन के आसन पर बैठ जाएं। अब किसी भी माला से इस मंत्र की 21 बार जाप करें। यह मंगल देव का एकाक्षरी बीज मंत्र है, जिसके मंत्र जाप से दोषों का समन होता है। मंगल का एकाक्षरी बीज है, बीज मंत्र है, ओम अम अंगारकाय नमः। मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ मंत्र, आप लिख लीजिए। उस मंत्र का जो मैंने उपाय बताया है, आप वह करके देखिए। ओम अम अंगारकाय नमः। आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत कुछ समस्या आपकी यहाँ हल हो जाती है। बहुत कुछ आपके ऊपर से जो दोष है, मंगल का दोष, हट जाता है। मैं आगे एक ऐसा महा उपाय बताने वाली हूँ जिसे कर यदि मंगल ग्रह आपसे कुपित भी हैं तो आप उन्हें अपने इस प्रयोग से प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे एक ये भी कहा जाता है कि मंगल का दान, जैसे गेहूं हुई, मसूर की दाल हुई, घी, गुड़, स्वर्ण, लाल वस्त्र, लाल चंदन, लाल फल, कोई भी लाल वस्तु जैसे तांबे की कोई वस्तु, इनका यदि दान किया जाए तो भी मंगल ग्रह प्रसन्न होते हैं और आपको, यदि आपके ऊपर कुपित हैं, आपके ऊपर आपकी उनकी कृपा दृष्टि नहीं हो पा रही है तो होने लगती है। साथ ही मंगलवार का, ऐसे में मंगलवार का व्रत करना भी उचित होता है। हनुमान चालीसा का पाठ करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। यदि ऐसा लगता है कि आपके ऊपर आपके मंगल ग्रह कुपित हैं तो आप तांबे या मूंगे की अंगूठी बनवाएं और अपनी अनामिका उंगली में धारण करें। इससे भी बहुत कुछ राहत मिल सकती है। तंदूर में थोड़ी सी मीठी रोटी बनाकर और ये बांटें, ये भी बहुत अच्छा है। बहते पानी में रेबड़ियाँ, बताशे, शहद एवं सिंदूर, इसमें से कोई भी एक सामग्री बहा सकते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो भी आपको कुछ राहत मिलेगी। और साथ ही आज जो मैं महा उपाय बताने जा रही हूँ, आप ये कर लेते हैं तो आप मान कर चलिए कि जो भी आपके ऊपर संकट आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, ये समस्याएं आपसे दूर हो जाएंगी। इसके लिए आपको ये करना है कि आप थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, थोड़ा सा नहीं, गुड़ थोड़ी अच्छी, एक कम से कम डली तो होना ही चाहिए। आप एक गुड़ की डली ले लीजिए और कुछ देर आप अपने परिंडे पर, जहाँ आपका पानी रखाता है, वहाँ 5-1 मिनट रख लीजिए और जो भी आपको समस्या है, आँख बंद करके आप अपनी समस्या बोलिए। उसके बाद उसे ले जाकर कोई निर्जन स्थान पर, जहाँ सुनसान एरिया हो, जहाँ कोई टोके ना। सबसे बड़ी बात तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, या आप समय भी ऐसा चूज कर सकते हैं जब वहाँ कोई ज़्यादा लोग रहे नहीं। आप सुनसान एरिए में या कोई जहाँ ज़्यादा लोग नहीं हों, वहाँ गुड़ की डली ले जाएँ, छोटा सा एक गड्ढा करें, गुड़ को उसके नीचे दबाएं, उस पर पूरी तरीके से 9 बार उस पर, पहले उसे
गुड़ को दबा दें, उसके बाद 9 बार उस पर जो धूल या जो मिट्टी है वो डालें, और 9 बार डालते समय आपको इस मंत्र का जाप करना है। मैंने पहले भी बताया ये मंगल का एकाक्षरी बीज मंत्र है। इस मंत्र को आप करते हैं तो आप मानकर चलिए कि जो समस्याएं हैं वो अपने आप सुलझती जाती हैं। ये मंत्र फिर से मैं एक बार बता देती हूँ, इसी मंत्र का जाप करना है आपको। ओम अम अंगारकाय नमः। आप यह मंत्र करके वहाँ बिना पीछे देखे आप घर आ जाइए, बस आपका कार्य हो गया। आप यदि एक मंगलवार पर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ही मेरी समस्या का समाधान हुआ है, तो आप लगातार प्रति मंगलवार को करें। कुछ मंगलवार तो आपको करना ही होगा, 3, 5, 7, जितने में आपको पूरी तरीके से आपकी समस्या का समाधान नहीं मिल जाता, आप पूरी तरीके से उस समस्या से मुक्त नहीं हो जाते। जैसे आपका कोई धन खा गया है, आपने किसी को उधार दिया था पैसा और वो वापस नहीं लौटा रहा है, उस समस्या में भी ये बहुत ही रामबाण तरीका है। आप ये कर कराएं, लेकिन इसमें आपको ये करना होगा जब आप गुड़ दबा रहे हों और उस पर जब आप उसको मिट्टी से दबा रहे हैं, तब आपके मन में आप ये विचार रखें उस व्यक्ति का नाम लेके कि उसने मेरा धन ले लिया है और मुझे वह धन वापस चाहिए। आप इस तरह की जब मनोइच्छा अपनी वहाँ बोलेंगे तो आपका वह कार्य अवश्य हो जाएगा। आप अपने बच्चों की शादी विवाह के लिए परेशान हैं, तो आप जब परिंडे पे अपना गुड़ रखते हैं तब आप मन की इच्छा बोलिए, आपका वह कार्य अवश्य हो जाएगा। यदि ऐसा है कि आपके हाँ बिजनेस की में लॉस जा रहा है, कुछ ऐसा है, तो आप अपने घर के मंदिर के समक्ष इस गुड़ की ढेली को रखिए और तब अपनी इच्छा बोलिए कि मेरे बिजनेस में फायदा हो, नुकसान ना हो। ये सारी बातें आप जो भी मन की इच्छा है तब आप घर के मंदिर के समक्ष ही बात करें और ले जाकर इसे सुनसान एरिए में गाड़ाएं। 9 बार इस मंत्र को करें और फिर बिना पीछे देखे आप घर आ जाएं। आप देखेंगे बहुत ही जल्दी आपको इस समस्या का, जो भी आपकी जीवन की समस्या है, उसका समाधान होते दिखेगा। क्योंकि मंगल ग्रह, जितनी भी लाल रंग की वस्तुएं होती हैं उसका यदि दान किया जाए, जो आप गुड़ दबा के आ रहे हैं वो एक तरह से छोटे छोटे कीटाणुओं का, चींटियों का इनका भोज्य पदार्थ होगा। और जैसे जैसे आप जब ऐसी जगह पर आप दबाते हैं तो ज़्यादातर लाल चींटियाँ इस गुड़ को भक्षण करती हैं, और लाल चींटियाँ कहते हैं कि मंगल ग्रह की ही कारक होती हैं। जैसे जैसे लाल चींटियाँ इस गुड़ को खाएंगी, वैसे वैसे आपकी समस्या का अंत होता जाएगा। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सरल सा उपाय है, लेकिन बहुत ही अचूक उपाय है, कर देखें। लेकिन श्रद्धा और विश्वास को बिल्कुल ना छोड़ें। श्रद्धा विश्वास के साथ ही यदि आप कार्य करते हैं तो आपका पूरा होगा, नहीं तो संशय भी हो सकता है पूरा होने में। ओम नमः शिवाय।